हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं इन्फ्यूजन पंप के बारे में बताऊंगी। तो आप ये देख सकते हो, ये बैक्सटर कंपनी का पंप है। और जो जो भी इंजेक्शन होता है वो हम इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से ओपन करके इंसर्ट करते हैं। आप इसके अंदर एक बैलून जैसा देख सकते हो, तो उसके अंदर अभी 5FU 3500 mg ड्रग है, जो कि स्लोली स्लोली जिसका ड्यूरेशन है लाइक 5 ml पर आवर। ये 5 ml पर आवर एग्जिट करता है इंजेक्शन। आप ये जैसे देख सकते हो, ये एक पाइप जा रही है साथ में, और ये पेशेंट की पिक लाइन के थ्रू कनेक्ट रहती है। इस पिक लाइन से आप इसको डी इंसर्ट भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए, ये पिक लाइन तक है, ये आपका पंप का टर्मिनल है, और ये पिक लाइन का टर्मिनल है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब जिस बैक्सटर कंपनी ने बहुत अच्छा पंप बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली पोर्टेबल है। और आप इसका साइज भी देख सकते हो, आपके हैंड के जितना है। मार्केट में इसके बैग्स भी अवेलेबल हैं अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज ये पॉकेट में भी इजीली कैरी किया जा सकता है। तो ये मोस्टली कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कैंसर पेशेंट या कोई भी पेशेंट को इस इंजेक्शन के लिए एडमिट नहीं रहना पड़ता 48 आवर्स या 24 आवर्स। आप सिंपली इसको लोड करवा सकते हैं अपनी पिंक लाइन के थ्रू और घर जा सकते हैं। तो ये स्लोली स्लोली चलता रहेगा, और जब भी फिनिश हो जाएगा, ये आप देख सकते हो इसका बबल एकदम एम्प्टी हो जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन की है, आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 300 ml है। तो ये बहुत ही सिंपल पंप है, कोई भी मीन्स इजिली डिस्कनेक्ट कर सकता है इसको। जस्ट एक बार उसको गाइडेंस की जरूरत है। तो आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके गाइस, थैंक यू।